कर्मचारी चयन आयोग में पेपर लीक के आरोपों की जांच सीबीआई करेगी, लेकिन आंदोलनकारी छात्र जो हैं वो अभी मानने के लिए तैयार नहीं है। सातवें दिन भी एसएससी के दफ्तर के बाहर छात्रों का आंदोलन जारी है। ये रिपोर्ट देखिए। एसएससी पेपर लीक के विरोध में सीजीओ कॉम्प्लेक्स के बाहर छात्रों के प्रदर्शन का आज सातवां दिन है। मैं मौजूद हूं इस वक्त एसएससी बिल्डिंग के ठीक सामने, जहां सड़क की दूसरी तरफ ये वो छात्र हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों से आए हैं और इस वक्त दिन रात डटे हुए हैं। हालांकि अगर रविवार के दिन की बात की जाए तो एसएससी की तरफ से सीबीआई जांच की मांग स्वीकार ली गई है। और आपको बता दें, सीजीएल टेयर टू में जो लीक पर सवाल उठे थे उसको लेकर के सीबीआई को लेकर अब एसएससी ने स्वीकार कर ली है जांच की मांग। लेकिन जो छात्र हैं वो अब तक संतुष्ट नहीं नजर आ रहे। आखिरकार क्या कारण है जिस वजह से छात्रों में अब तक रोष है? मैं इस वक्त बातचीत करने की कोशिश कर रही हूँ कुछ छात्रों से। आपका नाम? महेश नाम है मेरा। सीबीआई की जांच स्वीकार कर ली है एसएससी ने, अब क्या वजह है और क्या क्या मांगे हैं आपकी? एसएससी ने सीबीआई की मांगी कहाँ है हमारी? उन्होंने सिर्फ रिकमेंडेशन किया है, जबकि हमें ऑर्डर चाहिए सीबीआई इंक्वायरी के। हमारी जो मांगे हैं वो आज भी सेम है। जो उन्होंने बोला, आज दो ऑर्डर निकाले हैं। पहले उन्होंने बोला कि 21 जनवरी को जो पेपर हुआ हमारा उसको 21 फेब को जो हुआ उसको कैंसिल करेंगे। बाद में उन्होंने बोला 17 से 22 वाला, वो भी नहीं। हमारा ये जो सिस्टम है पूरा एसएससी स्कैम है। एसएससी सीजीएल नहीं है, जेई भी है, एमटीएस भी है, स्टेनोग्राफी भी है, आपके सीपीओ वाले भी हैं, दिल्ली पुलिस भी है, सब जगह पे स्कैम कर रखा है एसएससी ने। हमें उन सभी की सीबीआई इंक्वायरी चाहिए विद टाइम बाउंडेशन। अगर मांगे पूरी नहीं हुई, जो आपकी तमाम मांगे हैं एसएससी के जितने भी एग्जाम्स है उसको लेकर के आप सीबीआई जांच की मांग करें, अगर कुछ मांगे पूरी नहीं हुई तो क्या ये प्रदर्शन और ज्यादा व्यापक स्तर पर जाएगा? यस मैम, ये कंटिन्यू रहेगा जब तक कि हमारी मांग मान नहीं ली जाती। और हम लोग उपवास भी रखेंगे मंगलवार को, और हर कोई कुछ नहीं खाएगा ना पिएगा पानी। छात्र अभी भी धरने पर टिके हुए हैं। दरअसल सरकार अभी छात्रों की सभी मांगों को नहीं मान रही है, और इस बीच ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गया है। दिल्ली में एसएससी कार्यालय के बाहर 27 फरवरी से डटे छात्र पहले दिन से पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। सरकार ने शुरू में उन्हें वादों और आश्वासन से मनाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। तो अब आज सरकार ने सीबीआई जांच का ऐलान कर दिया। मैं जो उनकी डिमांड थी एसएससी के संबंधित छात्रों की, वो डिमांड पूरी की जा चुकी है और सीबीआई जांच का आदेश किया जा चुका है। मैं तो सभी से अपील यही करूंगा कि उन्हें अपने घर जाना चाहिए और सीबीआई जांच की रिपोर्ट की प्रतीक्षा करनी चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री के इस ऐलान के बावजूद अभी भी सैकड़ों छात्र एसएससी दफ्तर के बाहर डटे हुए हैं। उनकी मांग है कि सरकार लिख कर दे कि वो सीबीआई जांच कराएगी। सरकार ने सीजीएल परीक्षा पर छात्रों ने जो सवाल उठाए थे, जो आरोप लगाया था, उसकी सीबीआई की जांच का ऐलान कर दिया है। लेकिन छात्र इतने भर से संतुष्ट नहीं है और अलग अलग तरीकों से अब भी एसएससी के बाहर जमे हुए हैं। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये हरियाणा का छात्र है और एसएससी के लोगों पर आपने ये माला चढ़ा दिया है। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप? सर, यही मैसेज देना चाहिए कि एसएससी सभी सीटें बिकती है, एक से लेकर 84 से लेकर सीजीएल इंस्पेक्टर एग्जामिनर तक। ये तो इन्होंने बस एक मीठी गोली दी है, करके दिखाए तो यहाँ भीड़ क्यों होती सर, हम धरना पे क्यों बैठते सर? बीजेपी छात्रों की इस मांग को सियासी विरोधियों की साजिश से जोड़कर देख रही है। उसका मानना है कि कुछ राजनीतिक दल छात्रों को जानबूझकर भड़का रहे हैं। स्टूडेंट्स ने बात मान ली है, लेकिन बीच में कुछ लोग गुमराह करने वाले भी बैठे हैं। अब उनकी जो ओरिजिनल बात थी वो खत्म हो गई, क्योंकि उनको चाहिए सीबीआई जांच थी। अब वो कह रहे हैं नोटिस। भैया, तुमको नहीं मिल सकता, तुम्हारे हाथ में नहीं आएगा। सरकारी प्रक्रिया के थ्रू एसएससी से डीओपीटी जाएगा, डीओपीटी उसको सीबीआई इंक्वायरी के लिए देगा और सीबीआई में पीआई जो है वो रजिस्टर होगी। यहाँ आपको बता दें कि 17 फरवरी को एसएससी की ओर से सीजीएल 2017 के टीयर 2 की परीक्षा का आयोजन करवाया गया था। छात्रों का आरोप है कि इस परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हुआ और परीक्षा शुरू होने से पहले प्रश्न और उसका उत्तर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। इसी के बाद देश के अलग अलग कोने से छात्र दिल्ली में एसएससी भवन के बाहर जमा होने लगे और फिर 27 फरवरी से छात्रों ने वही डेरा डाल दिया। देखते ही देखते पूरा मामला सियासी रंग लेने लगा। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ साथ समाज सेवी अन्ना हजारे भी छात्रों का साथ देने के लिए पहुँच गए। इस बीच एसएससी पेपर लीक का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। एक जनहित याचिका दायर कर ये मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी में इस मामले की जांच करवाए। कोर्ट याचिका पर 12 मार्च को सुनवाई करेगा। यहां पर अब आपको ये बताते हैं कि एसएससी के छात्रों का ये आंदोलन आखिर इतना बड़ा कैसे बन गया, क्यों बन गया, ये आप भी जानना चाहते होंगे।
इससे लाखों छात्रों का भविष्य कैसे जुड़ा हुआ है ये आपको समझाते हैं। देखिए, दरअसल एसएससी सरकारी नौकरी देने वाली एक संस्था है जो राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन कराता है। संख्या के लिहाज से एसएससी सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा लेने वाली दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है। एसएससी द्वारा आयोजित परीक्षा में देश के हर कोने से छात्र भाग लेते हैं। आपको बता दें 2015-16 में 1,48,00,000 छात्रों ने एसएससी की परीक्षा दी थी, जिसमें से 24,604 छात्रों को नौकरी मिली भी। भारत सरकार के अधीन आने वाली ग्रुप बी और ग्रुप सी की ज्यादातर परीक्षा का आयोजन एसएससी ही करती है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लाइक बटन पर क्लिक करके हमारा हौसला बढ़ाएं, ताकि हम आपके लिए और बेहतर जानकारी लाते रहें। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉक्स न्यूज़ इंडिया, न्यूज़ बियॉन्ड पॉलिटिक्स।